तुहानू दस दईए अज विधानसभा के अंदर भी सिद्धू मूसेवाला कतलकांड की गूंज सुनाई दी। इस दे नाल ही दस दिए कि तिहाड़ जेल च बैठ के लॉरेंस बिश्नोई वालों रची गई साजिश से दिल्ली पुलिस की सफाई आई है। पहला इस वड्डी खबर का रुख कर रहे हैं। स्पैशल सैल के सीपी हरगोबिंद धालीवाल ने पीटीसी न्यूज़ के नाल गलबात च ए वड्डा खुलासा किया। धालीवाल कहते हैं कि प्लैनिंग दौरान कई होर सूबे दी जेलों के भी बिश्नोई रिमांड पर गया। जमानत की सुनवाई मुलाकातों दौरान अपने साथियों के नाल मुलाकात करता रहा लॉरेंस बिश्नोई। सिर्फ तिहाड़ के बैठ के ही इस साजिश बारे सारी गल हुई, यह कहना गलत होगा। जिया तुम दस दी स्पैशल सीपी हरगोबिंद धालीवाल ने यह खुलासा किया कि सिर्फ तिहाड़ ही नहीं सगों वक्त थावां ते जिथे जिथे रिमांड दौरान या फिर पेशियां दौरान सुनवाई दौरान लॉरेंस बिश्नोई जाता रहा, कई थावां ते गलबात करता रहा लॉरेंस बिश्नोई। सिर्फ तिहाड़ के इसकी प्लैनिंग हुई, यह कहना गलत होगा। 14 सूबे दियां 18 जेलों के बंद मुलजमान के कोलों पूछगिछ दौरान यह वड्डा खुलासा होया। पूरे उत्तर भारत वड्डियां वारदातों पर साडी नज़र रहिंदी है। धालीवाल ने कहा कि अजिही कोई भी वड्डी वारदात होंदी है तो उत्थे दिल्ली पुलिस का स्पैशल सैल एक्टिवेट हो जाता है। अजिहे च सिद्धू मूसेवाला कतलकांड मामले के जिदा ही गल निकल के सामने आती है कि इत्थे अल्ट्रा मॉडर्न वैपन्स का इस्तेमाल किया गया, AK सीरीज़ के हथियारों का इस्तेमाल होया, तो बड़े ही ऑर्गेनाइज ढंग के नाल इस क्राइम को अंजाम दिया गया। इसको लेकर अज इस धालीवाल ने वड्डे खुलासे किए ने। स्पष्ट तौर के उपर उन्होंने कहा कि सिर्फ तिहाड़ के बैठ के प्लैनिंग नहीं रची गई, सगों इस साजिश बड़िया थावां के उपर वैल कनैक्टिड सी, वैल प्लैंड सी। पहला जोधपुर जेल रहा, उन्हें तो इन्निया जेलां कट्टिया ने, इन्ने साथी ने, 400 तो मुकदमेवार ने उहदे केसां दे विच। जे तुसी किसे नूं डिटेल ही नहीं पता तो जो मर्जी कमेंट करी जाए जी। एक बंदे दा कहना कि ये करना इहदे लई किन्ना कुछ चाहीदा हैगा, उहनां दी कोर्ट दे विच प्रोडक्शन भी आ, उहदे नाल दे साथी रोज़ अरैसट हुंदे आ, रोज़ बेल आउट हुंदे आ, नाल मिलदे ने, सैल इकट्ठा हुंदा, उहदों बाद मुलाकातों च भी इन्हों मिलना अलाउड आ, कई बार इन्हों साथी आके जोड़े बहर उ मुलाकात चाहते हैं। उन्होंने ये कहना भी ये करना, ये तो कोई वो गल नहीं हैगी कि भी जिदा कल्पना कई लोग कर रहे हैं। असी 14 स्टेटा च 18 जेलों तो बंदे बाद चो इनवैसट मतलब पिक किए, अरैसट किए, क्वेश्चन किए, कई टीम तो साढ़िया 18-19 दिन तो वापस ही नहीं। जद्दा केस होया 29 केस होया, 30 तरीक नूं थोड़ा बहुत साड़ी टीम नूं हल्का जिहा कुछ कुछ इनफॉर्मेशन डेवलप हुई। उस तो होर दो दिन बाद उन्होंने वो जिहड़ा मीडिया च भी वो किस तरीके नाल जिहड़ा साडा इंटरनल नोट सीगा वो असी कुछ जगह ते शेयर कीता सी तो किसी तरीके नाल मीडिया च भी आ गया। सो वो दो दिन की वर्किंग तो बाद साड़ी टीम ने वो बनाया सीगा कि ये लोग 8 इस केस नाल लिंक हो सकते ने, जिहदे चों फाइनली 3 तां शूटर कन्फर्म होए ते 2 महाराष्ट्र पुलिस ने अरैसट किए जिहड़े नाल उन्हां दे भी पुराने केस खुल गए, 3 उहदे चों रूल आउट हो गए। असी वड्डे केस नॉर्मली नॉर्थ इंडिया दे तां देखदे हां, बाकी इंडिया दा भी देखदे हां, क्योंकि क्राइम दा की है कि राजधानी दे विच नॉर्मली सानूं देखना हुंदा कि कोई क्राइम किते भी होया उहदी राजधानी लई की इंप्लीकेशन हो सकती आ। फ्यूचर दे विच असी चाहुंदे हां कि वह चीज़ राजधानी च ना होए या जिन्ना हद हो सके असी उहनूं प्रिवेंट करिए। सो मैनूं जदों वारदात होई उस तों जिद्दां वायरल होए वीडियोज़ तो मैनू भी एक दो जणिआं ने पंजाब तो चंडीगढ़ तो वीडियोज़ शेयर किए, तो जो वीडियो देखे तो मैं लगे कि यह तो बहुत ही एक ब्रेजन क्राइम लग रहा है, बड़ा जिस तरीके नाल फायरिंग हुई सी, जिस तरीके नाल गड्डी च 2 लोगों को होर गोलियां लगियां सी, तो सानू लग्या कि ये कोई एक बंदे की प्लैनिंग वाला क्राइम नहीं हैगा, तो कोई बहुत ही इलैबोरेट प्लैनिंग होएगी ताही इहो जी घटना नूं अंजाम दिता जा सकता। सो उसे टाइम ही असी अपनी मल्टीपल टीम्स नूं इस टास्क ते लाता सीगा कि देखो कि क्रिमिनल जिहड़ा इन्हां दा नैटवर्क आ, सिंडीकेट आ, इन्हां तों की कुछ इनफॉर्मेशन आ सकदी आ, कौन लोग सी इहदे पिछे जिन्हां ने वारदात नूं अंजाम दिता।